कहते हैं कि जिसने उस ऊपर वाले की इबादत को छोड़ा वो कहीं का नहीं रहा। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, चाहे जो भी कह लो, जिस दिन उसके ऊपर से तुम्हारा अटूट विश्वास टूट जाएगा, उस दिन बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको बादल के बारे में सुनाने जा रहे हैं कि कैसे उस ऊपर वाले पर बना हुआ अटूट विश्वास उसने खुद तोड़ा और आखिरी में उसी ऊपर वाले ने उसे बचाया भी। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। बादल एक सीधा साधा पढ़ा लिखा लड़का था। उसका रोज का केवल एक ही काम था, वह सवेरे उठता और उठने के बाद सबसे पहले अपने आराध्य की पूजा अर्चना करता, और उसके बाद ही वह कहीं आता कहीं जाता। उसे अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास था। पढ़ाई जब उसकी पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। यहां तक कि उसने कई राज्यों में खाक छान मारी, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। लेकिन तभी उसकी मुलाकात रीना से हो जाती है। रीना जो कि खुद एक पढ़ी लिखी लड़की थी, और बादल की तरह ही वो भी काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। दोनों में बेइम्तहा प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ जाता है। जब बादल रीना को लेकर के अपने घर पहुंचता है तो उसके घर वाले उसकी शादी से इनकार कर देते हैं, क्योंकि दोनों की जातियां अलग थीं और समाज की अपनी मान्यताओं के कारण उनका बहिष्कार कर दिया जाता है। क्योंकि बादल न रीना के बिना रह सकता था, रीना न बादल के बिना रह सकती थी। क्योंकि दोनों पढ़े लिखे थे, इसलिए इन रूढ़िवादी बेकार की बातों को वो नहीं मानते थे। अब तो जिंदगी और भी दुश्वार हो चली थी, क्योंकि ना कोई काम था, ना ही 2 रुपए कमाने की कहीं से कोई किरण नजर आ रही थी। कुछ ही दिनों बाद वह सवेरे उठ करके जब अपने परमात्मा की आराधना के लिए जाता है तो अचानक से उसका दिल टूट जाता है, और वह उसी दिन सोच लेता है कि इसने तो मेरी कोई मदद नहीं की, अब मैं इसकी भी पूजा अर्चना कभी नहीं करूंगा। और इस तरीके से उसने अपने आराध्य की पूजा करना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। किसी तरीके से दोनों की जिंदगी कट ही रही थी, तभी एक कंपनी से कॉल आती है। फोन उठाता है, तभी उसे उधर से पता चलता है कि उसे वहां पर एक नौकरी मिल गई है। वह रीना के साथ वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसे सर्विस के साथ साथ रहने के लिए एक घर भी दे दिया गया है। लेकिन जैसे ही वह अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के बाहर निकलता है, वहां के कई एम्प्लॉई उसको रोक करके कहते हैं, देखो बादल, तुम नए नए आए हो और जो घर तुमको दिया गया है वहां पर पिछले 37 वर्षों से कोई नहीं रहता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। बादल तो वैसे ही बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे जिस चीज की तलाश थी वो उसे फाइनली आज जाकर के मिली थी, और उसकी खुशी दुगनी हो चली थी, क्योंकि उसे रहने के लिए एक घर भी मिल चुका था। इससे ज्यादा उसे क्या चाहिए था। कंपनी ने सुविधा के रूप में उसे जो फ्लैट दिया था, उस फ्लैट में प्रवेश करते ही मुंह से खुशी खुशी निकल गया, वाह, कितना अच्छा फ्लैट है। और इस तरीके से वो अंदर पहुंचता है। वह भीतरी दीवारों को देख करके बहुत ही ज्यादा खुशी को महसूस कर रहा था। फ्लैट में मौजूद हर एक सामान को देखने के बाद उसकी खुशी दुगनी होती चली जा रही थी। वह जल्दी से जाता है
और रीना को भी साथ में लेकर के वहां पर पहुंचता है। क्योंकि जब वह कंपनी में गया था तो उसने रीना को एक छोटे से होटल में रोक दिया था, इसलिए वह रीना को वहां से लेकर के फ्लाइट में पहुंचता है। जो थोड़ा बहुत सामान उसके पास था उसे उसने एक बैग में भर रखा था, और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है उस बैग को कंधे से नीचे उतारकर फर्श पर रख देता है और लंबे लंबे कदमों से चलते हुए सामने सोफे पर जाकर बैठ जाता है। रीना भी उसके बगल ही जाकर के बैठती है। सोफे पर बैठते ही उसे बहुत ही सुकून महसूस होता है और अपनी खुशी को वो छिपा नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर बाद ही वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ जाता है। वह बाथरूम में जब पहुंचता है तो उसकी नजर सामने लगे एक बड़े से शीशे पर पड़ती है। वह जब शीशे में अपने चेहरे को देखता है तो उसके अंदर खुद एक खुशी की लहर दौड़ने लगती है, क्योंकि आज का दिन ही उसके लिए बहुत अच्छा था। फिर वह जल्दी से नहाने लगता है और नहाने के बाद जैसे ही वह उठ करके दोबारा उस शीशे की तरफ बढ़ता है तो काटो तो उसे खून नहीं, ऐसी हालत उसकी हो चुकी थी। क्योंकि सामने वो शीशा तो था ही नहीं, अब वह बहुत असमंजस में पड़ जाता है कि अभी अभी तो उसने यहीं पर लगे एक शीशे में अपने चेहरे को देखा था, लेकिन अब क्या, अचानक से वो शीशा गया तो गया कहां। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसका माथा चकराने लगा था। इसी उलझन में वह कुछ देर वहां पर खड़ा रहा और उसके बाद बाथरूम से बाहर निकल करके कमरे में आ गया। रीना ने पूछा क्या हुआ तो उसने कोई जवाब न दे करके बात को काट दिया। उसने सोचा कि बेकार में ही रीना परेशान हो जाएगी। अब रात हो चुकी थी, लगभग 10:30 बजे का समय हो रहा था। बादल और रीना अपने बेड पर लेटे हुए थे। बादल एक किताब लेकर के उसमें कुछ कहानियों को पढ़ रहा था। उसके फ्लैट में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कि वह कोई घर न हो, शमशान लग रहा था। हवा का झोंका खिड़कियों से सरसराते हुए उस माहौल को और भी भयावह बना रहा था। धीरे धीरे उसे भी नींद आने लगी। ऊपर लगी एक घड़ी की तरफ नजर उठाई, क्योंकि उसे सुबह जल्दी ही ऑफिस जाना था। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने घड़ी की तरफ देखा ही था कि दीवार की घड़ी अपने आप वहां से नीचे गिर पड़ी और शीशों के टूटने की आवाज से वो कमरा गूंज उठा। रीना भी उठ करके बैठ गई। रीना ने पूछा क्या हुआ, अपने आप को शांत करते हुए कहा कुछ नहीं, तुम सो जाओ, यह घड़ी लगी थी ना वही गिर गई है। वह तुरंत बेड से उठा और उसने टूटी हुई घड़ी को उठाया और शीशे जो बिखरे हुए थे उनको भी इकट्ठा किया और उन्हें ले जा करके कूड़े के डिब्बे में फेंका और वापस अपने कमरे में आ गया। जब वह वापस आया अपने कमरे में तो उसने देखा कि रीना तो पूरी की पूरी नींद में सो रही है, लेकिन कमरे में सारे के सारे कपड़े एकदम से फैले पड़े हुए हैं। वह बुरी तरीके से चौंक गया। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि इस घर के अंदर कोई अवश्य है और वह इधर उधर कमरे में चारों तरफ देखने लगा। लेकिन तभी उसने चिल्लाते हुए कहा कौन है यहां। उसे लगा कि जो कोई भी होगा वो सामने तो जरूर आएगा, लेकिन इसके जवाब में उसे केवल कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई बाहर की तरफ चल रहा हो। उसे यह समझते देर न लगी कि जो कोई भी उसके घर में था वो बाहर की तरफ भाग रहा है। वह उन कदमों के पीछे पीछे चलने लगता है। जैसे ही
वह उन कदमों का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि उसके घर का दरवाजा तो खुला हुआ था, क्योंकि उसने तो दरवाजा बंद किया था। तो यह दरवाजा आखिरकार खुल कैसे गया? उसके दिमाग में हजारों प्रश्न गूंज रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। वह बाहर निकलता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। बाहर का वातावरण एकदम शांत था, पूरी तरीके से सन्नाटे में फैला हुआ था, जैसे कि कोई मनहूसी अच्छाई हुई हो। वह कुछ देर वहां रुकता है, उसके बाद वापस चला आता है, यही सोचते हुए कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। इस तरीके से एक रात बीतती है और वह सुबह अपने ऑफिस के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां से शाम को निकलता है तो रास्ते में एक दरगाह पड़ती है जहां पर अजान हो रही थी। वह सोचता है क्यों ना एक बार यहां पर हो लिया जाए, और वह अंदर चला जाता है। उसे अंदर एक मौलवी साहब मिलते हैं, जो उसको देखते ही उससे कहते हैं, बेटा अपने उस ऊपर वाले को कभी मत भूलना, क्योंकि वही केवल तुम्हारे काम आने वाला है। और इतना सुन करके वो वहां से वापस अपने घर चला आता है। आज जब रात होती है और दोनों सो जाते हैं, तभी लगभग 11:30 बजे के आसपास बादल को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वह उठ करके चारों ओर देखने लगता है कि आखिरकार यह आवाज कहां से आई है, तभी उसे अपने ही घर में एक अजीब सी गंध महसूस होने लगती है। वह उस गंध के पीछे पीछे चलने लगता है, यह पता करने के लिए कि आखिर इतनी सड़ी हुई बदबू कहां से आ रही है। जैसे ही वह ऊपर की तरफ स्टोर रूम के पास पहुंचता है और स्टोर रूम को खोलता है, तो उसे जो नजारा दिखाई देता है वह किसी को भी पूरी तरीके से डरा देने के लिए काफी होता है, क्योंकि उसे स्टोर रूम में एक कंकाल नजर आता है, जैसे कि बहुत पहले की पड़ी हुई लाश हो और वह पूरी तरीके से गल चुकी हो। वह वहीं पर एकदम से जम जाता है। कुछ समय बाद जब वह अपना होश संभालता है तो दौड़ते हुए नीचे आता है, लेकिन रीना को कुछ बताने से पहले ही रुक जाता है। वो सोचता है कि रीना बहुत डर जाएगी, इसलिए वह रीना को कुछ नहीं बताता। और अगली सुबह ही वो ऑफिस से छुट्टी लेता है और रीना को बाहर घुमाने लेकर के चला जाता है। लौटते समय वो रीना से कहता है कि आज हम लोग एक होटल में रुकेंगे, और वह एक होटल में कमरा किराए पर ले लेता है। रीना को वहीं पर छोड़ करके वो रीना से कहता है कि उसे आज रात थोड़ा काम है ऑफिस में, इसलिए वह आराम से रहे, सुबह वह वापस आ जाएगा। इतना कह करके वह अपने फ्लैट की तरफ वापस चल देता है। वह ये जानना चाहता था कि आखिरकार फ्लैट में वास्तविक रूप में हो क्या रहा है। आज की रात जब वह फ्लैट में सो रहा होता है, तभी लगभग दोबारा 11:30 बजे उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही उसकी नींद टूटती है, वो देखता है कि उसके सामने एक अजीब सी लड़की खड़ी हुई थी, जिसका चेहरा पूरी तरीके से विभत्स लग रहा था, पूरी तरीके से डरावना लग रहा था। वह हड़बड़ा करके उठ जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? तो उधर से आवाज आती है, मैं वही हूं जिसको तुमने कल स्टोर रूम में देखा था। बादल फिर पूछता है, आखिरकार तुम यहां क्यों आई हो? तो उधर से आवाज आती है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आई हूं। और वह दोबारा बोलती है,
कि मैंने तुम्हें यहां से भगाने के लिए कई इशारे किए थे, लेकिन तुम यहां से गए नहीं। अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। इतना कह करके वह धीरे धीरे बादल की तरफ बढ़ने लगती है। बादल समझ जाता है कि यह कोई और नहीं, यह प्रेतात्मा ही है। वो बोलता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों मारना चाहती हो? तो वो बोलती है कि आज से कई साल पहले मुझे दो लड़के यहां पर उठा करके लाए थे और उन्होंने मेरा रेप किया और इसके बाद मुझे मार करके यहीं छोड़ दिया। तब से मैं यहां रुकी हुई हूं, केवल उन दोनों के इंतजार में कि वो कभी ना कभी तो यहां आएंगे और मैं उन्हें खत्म कर पाऊंगी। बादल फिर बोलता है, तो मुझे जाने दो, मैंने क्या किया है? लेकिन उसके ऊपर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वह धीरे धीरे बढ़ते हुए बादल के गले तक पहुंच जाती है। उसका हाथ बादल के गले पर था और बादल की सांसें अब घुटना शुरू हो गई थी। तभी उसे पिछले दिन कही मौलवी की बात याद आती है कि उसे अपने परमात्मा पर विश्वास होना नहीं है, क्योंकि वो तो अपने परमात्मा से अपना बंधन तोड़ चुका था, लेकिन आज उसकी जान पर बनाई थी तो उसने पूरे दिल से, पूरे प्यार से अपने ईश्वर को याद करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने अपने परमात्मा को याद करना शुरू किया, वैसे ही धीरे धीरे उसका हाथ उसके गले से छूटना शुरू हो गया। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुक्मिव वंदना मृत्योर्मोक्षीय मामृता। और इतना बोलने के बाद जैसे ही बादल ने अपनी आंखें खोली तो देखा वहां पर कोई न था। सब कुछ एकदम से शांत हो चुका था। घर का माहौल भी थोड़ा उसे अच्छा लगने लगा था। इस तरीके से बादल ने उस प्रेतात्मा से खुद को बचाया और शायद उस घर को भी। उसके बाद से बादल ने वो घर छोड़ दिया और दूसरी जगह पर एक घर ले लिया, क्योंकि शायद वो प्रेतात्मा वहां से तो चली गई थी लेकिन उसका बदला पूरा नहीं हुआ था। शायद वो उन दोनों के इंतजार में अब भी उसी घर में भटक रही हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें और हम आपका एंटरटेनमेंट करते रहें। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।